फर्स्ट सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, 1 मिनट क्लोज योर आईज एवरीबडी, एकदम सीधे बैठ के अपनी आंखें बंद करो, सो दैट वी शुड यू नो कंजर्व अवर एनर्जी. हमने अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है ताकि अगले 1 घंटे में, 1 आवर में, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर लेक्चर, राइट? सो क्लोज योर आईज एवरीबडी, बॉयज, नो मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, लेग्स, फुट, सिट स्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग. कॉन्सेंट्रेट ऑन इनहेल एंड एक्सहेल एवरीबडी. तो बेटा गुरु जो है, हमने क्या करना है, हम एक हिंदी में बात करते हैं कि अपने आप आंखें बंद रखो और मेरी बात को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो, कि हमने समर्पण करना है. हमने अपने आप को पूरा अपना गुरु, अपने टीचर, उसको डेडिकेट करना है कि वट एवर यू विल टीच, वट एवर यू विल टेल, आई विल कंप्लीटली एब्जॉर्ब द थिंग्स. अपनी आंखें बंद रखो और सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दो कि जो हमने 1 आवर में पढ़ाना है उस सब को हमने अपने माइंड में एब्जॉर्ब करना है. ओनली देन, नॉट मी, इवन योर एनी टीचर, जो गुरु है बेटा, ठीक है? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत में से, अर्जुन और भगवान कृष्ण की. जब अर्जुन ने अपने आप को पूरा समर्पण किया कि जो भगवान तुम मुझे बताओगे गीता के अनुसार मैं वो करूंगा, ओनली देन दे वर एबल टू यू नो विन द बैटल, बिकॉज कौरवाज वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ सीखने आए हैं तो हमने पूरा अपने आप को गुरु पे छोड़ना है कि जो आप सिखाएंगे वो हम सीखेंगे, राइट? इज इट ओके टू यू? डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, यस और नो? ठीक है, चलिए अब आंखें खोलो. ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे वो हमने पूरी तरह से, हमने लिखने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमने सुनने पे, यू नो माइंड इट इज कंट्रोलिंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी, राइट? व्हेन यू हियर, इट्स नॉट द ईयर विच हियर्स, इट्स द माइंड विच हियर्स. उसने सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स किए हुए हैं कि यहां से आवाज आए. सुनना किसने है? माइंड ने सुनना है, राइट? आपके नर्वस सिस्टम ने, आपके ब्रेन ने सुनना है. इज इट क्लियर टू यू? राइट? सो नर्वस सिस्टम इज द मेजर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी. विच सिस्टम्स विच वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इज इट ओके? सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लाइक एनी अदर सिस्टम, एम आई राइट? यस और नो? जोर से बोलना है, राइट? जो हमारे में एक टैबू है कि अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ाना है, ये तो हमने कान बंद कर लेने हैं, ये हमने आंखें बंद कर लेनी है, बस मैडम पढ़ाई जाए, बस आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दो, हम करेंगे. नो, इट्स जैसे हमने, आपने 7th क्लास में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, यू हैव स्टडीड रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक दैट वन ऑफ द सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, डू यू नो दैट? हम कह देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इट इन्वॉल्व्स वेरियस हॉर्मोन्स एंड दीज हॉर्मोन्स आर नॉट मेंट फॉर रिप्रोडक्शन ओनली, बट इट इज मेंट फॉर यू नो मेंटेनिंग अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो और अदर हेल्थ एक्टिविटीज ऑल्सो, नॉट प्रॉब्लम्स बट एक्टिविटीज. मैम जरा देखना कि 8th बी डिस्कनेक्ट हो गई है, प्लीज सी कि भी ये क्या प्रॉब्लम हुई है.
राइट, तो मैम चली गई है क्लास से, तो ये नहीं कि हमने इनडिसिप्लिन, राइट, तो चलिए मैम है ही है यहाँ पर। सो इट इज लाइक इट्स मेजर सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इट हैज अदर फंक्शंस आल्सो। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट एट्थ ए क्लास, कैन एनीबडी टेल मी विच हॉर्मोन इज द मेल सेक्स हॉर्मोन? कैन एनीबडी टेल मी? रेज योर हैंड। द हॉर्मोन सिक्रीटेड इन मेल्स विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डू यू नो दैट बेटा? विच इज द हॉर्मोन? नो। ओके, आई विल टेल यू स्लोली एंड स्लोली, राइट। सो व्हाट हैपेंस, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आप अपनी कुछ नहीं, बुक्स नहीं खोलनी, बुक्स बंद कर दो, क्लोज योर बुक्स। हमने बुक्स नहीं खोलनी, कॉपी जरूर खोल के रखो, ताकि वट एवर आई विल से कि ये नोट कर लो, तो वो आपने नोट करना है। नो नो नीड टू ओपन योर बुक्स, राइट। एंड दिस कंप्लीट लेक्चर इज रिकॉर्डेड, ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आप यूट्यूब पे, मैं आपको चैनल बताऊंगी, ये चैनल का नाम जरूर आप लिख लेना। ये हमारे चैनल का नाम है कैडूकॉन ई लर्निंग। एवरीबडी नोज यूट्यूब, यूट्यूब सबको पता है? यस, यू नो दैट। सो यूट्यूब पे अगर आप जाकर ये टाइप करेंगे कैडूकॉन ई लर्निंग, तो वो आपको चैनल आ जाएगा, और वहां पे आपने हमारा पूरा लेक्चर होगा, क्लास 8 साइंस, ठीक है। तो आपने एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार उसको देखना है आप देख सकते हो, जो चीज नहीं समझ में आए, ठीक है जी। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट आप क्या देखते हैं कि 9th क्लास में अभी आप थोड़े छोटे हैं, है ना, छोटे हैं, बॉयज की हाइट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है 8th क्लास में, हो जाती है 8th में भी, बट 8th 9th 10th, ये 3 क्लासेस ऐसी होती है जब बॉयज जो है, नहीं तो इससे छोटे, आप एवरीबडी कैन सी गर्ल्स एंड बॉयज, जब बच्चे छोटे होते हैं फर्स्ट सेकंड में, उनकी ठीक है हम प्लैट्स बना देते हैं, गर्ल्स वाली ड्रेसेस डाल देते हैं, बट अगर दोनों को एक जैसी ड्रेसेस डाल दी जाए एक जैसे, तो इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश हु इज बॉय एंड हु इज गर्ल, दोनों की आवाज भी एक जैसी है, यस और नो? समझते हो, ठीक है ना। हाँ, तो वो दोनों की आवाज एक जैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश एज सच, बाहर से नहीं हमें पता चलता, बट धीरे धीरे जब बच्चे 8th 9th 10th में आते हैं, तो लड़के जो है वो क्या है, उनकी बोन्स का साइज बड़ा होता है, जब बोन्स का, पहले कुछ बॉयज बहुत छोटे स्ट्रेचर के होते हैं, 7th तक छोटे 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 से है, और देखिए अभी भी आपकी क्लास में होंगे कुछ ऐसे जो जिनकी हाइट छोटी है, एंड यू विल सी कि भी 9th 10th में इन्हीं बॉयज की हाइट एकदम बढ़ती है, मसल्स की डेवलपमेंट होती है, फेशियल हेयर आने शुरू होते हैं, इसी तरह गर्ल्स में भी, और उनकी आवाज थोड़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, अग्रेशन आ जाती है, थोड़ी सी गुस्सा आना, और थोड़ी सी मेल ईगो आ जाती है, यस, कि मैं लड़का हूं, ठीक है, एक मेल ईगो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह गर्ल्स में भी चेंजेस आती है। सो ऑल दीज चेंजेस आर ड्यू टू द सेक्स हॉर्मोन, जो मेल हॉर्मोन है टेस्टोस्टिरोन, फीमेल हॉर्मोन है ईस्ट्रोजन, इस कारण ये चेंजेस आती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है, टेस्टिस एंड ओवरीज वो डेवलप हो जाते हैं, राइट, वो गैमेट्स बनाने शुरू कर देते हैं। सो दीज आर, तो इसलिए सिर्फ जो, लेट अस से फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, उसका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है, उसका काम क्या है, उसका काम ग्रोथ में भी है आपके, उसका काम मेटाबॉलिज्म में भी है, जो गेम्स, जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऑल्दो जो मैं बता रही हूँ दैट्स ए रॉन्ग थिंग, जो बच्चे स्पोर्ट्स कर खेलते हैं, रनिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं, दे यूज टेस्टोस्टिरोन, दे टेक टेस्टोस्टिरोन एक्सटर्नली टू डेवलप देयर मसल्स
विदाउट डूइंग मच एक्सरसाइज। मसल्स की डेवलपमेंट दो तरीके से, एक तो हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो है मसल्स उससे डेवलप होते हैं। बट सम पीपल वॉन्ट कि बस अब हमारे जल्दी जल्दी से मसल्स डेवलप हो जाएं, तो दे टेक टेस्टोस्टिरोन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बट दैट इन द लॉन्ग रन हार्म्स देयर बॉडी। एंड व्हाट हैपेंस कि डोप टेस्ट एक स्पोर्ट्स में, हैव यू एवर ऑब्जर्व हर्ड अबाउट डोप टेस्ट, सुना है कभी, येस और नो? नहीं, एक डोप टेस्ट होता है बेटा, जब भी कोई मैचेस इंटरनेशनल एंड नेशनल मैचेस खेलते हैं तो एक ब्लड टेस्ट होता है, डोप टेस्ट उसको कहते हैं, और उसमें पता चल जाता है कि इफ द चाइल्ड इज टेकिंग, इफ द पर्सन इज टेकिंग द टेस्टोस्टेरोन और नॉट, इफ दे आर टेकिंग देन दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैचेस, राइट? सो सम पीपल दे यू नो शिफ्ट टू द शॉर्टकट्स, बट दैट शॉर्टकट्स नेवर वर्क, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? दैट इज रिप्रोडक्शन, बट अदर फंक्शंस आल्सो, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। लाइकवाइज ईस्ट्रोजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 1 मिनट, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, द हेल्थ ऑफ द बोन्स, राइट? जब फीमेल जो है वो थोड़ी, हाँ जी, 8B, एम आई इक्वल टू यू? ओके ओके, सो आई एम डिस्कसिंग द जनरल थिंग्स अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज जस्ट लाइक एनी अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, सो इट्स नॉट अ टेबू टू डिस्कस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, एज वी डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम, एंड द फंक्शन ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन इन फीमेल, इट इज नॉट ओनली टू मेंटेन, टू यू नो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, बट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बोन्स। आपने देखा है जब फीमेल्स 60 65 की हो जाती हैं तो उनकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है, 70 ईयर्स बोन्स वीक हो जाती है। क्यों वीक हो जाती है? क्योंकि से 50 के बाद उनका सेक्स हार्मोन बनना बंद हो गया, तो हु विल मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बोन्स? तब उनकी बोन्स वीक हो जाती, राइट? सो देयर आर मेनी अदर फंक्शंस रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो नाउ यू नो कि विच चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, राइट? सो कैन एनीबडी टेल मी 8B? यस, रोल नंबर 1, हु इज रोल नंबर 1 8B? है, एब्सेंट है, रोल नंबर 2 आ जाओ। यस, कम नियर द माइक, कम नियर द टेबल, फॉरवर्ड। कैन यू टेल मी द टू टाइप्स ऑफ नॉट इन ह्यूमंस, इन जनरल द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल वेरी रिप्रोडक्शन। गुड, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन बेटा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टुडे इज 7th, सबने अपनी कॉपी पे आज की डेट जरूर लिखनी है। एंड नाउ यू नो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यू हैव टोल्ड मी दैट इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ 8A, रोल नंबर 3,
यस, कम नियर माइक, उधर माइक के पास जाओ बेटा। बेटा अगर कोई ऐसा प्रोसीजर डेवलप हो कि हमारे स्किन सेल्स लिए, उनको टेस्ट ट्यूब में डाल के नए जो है वो बच्चे बना लिए, ठीक है। माई स्किन सेल्स आर टेकन, दे आर पुट इन द टेस्ट ट्यूब इन द मीडियम, ऑब्वियसली उसको कुछ न्यूट्रिशन दिया, कुछ दिया, उसके जैसे मेरे जैसे और 2, 4, 10 बच्चे बन गए। मैं आई एम नॉट ए किड, बट मेरे स्किन सेल से जो है छोटे छोटे बच्चे बन गए। सो कैन यू टेल मी, इज इट ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जोर से बोलना माइक के पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनमोल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले अपना नाम बताओ बेटा। गरेवाल, अनमोल दोबारा से, अनमोल गरेवाल। गरेवाल, वेरी गुड बेटा। तो आपने मुझे ये बताना है बेटा कि ए सेक्सुअल, तो जो वो जो बच्चे बने 8, 10, 15 जो भी बने, आर दे एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू मी और नॉट? नो, दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कहाँ से चेंजेस कहाँ से आए उनके पास? मैम फेस से, मैम स्किन से, मैम हाइट से, नहीं, बट क्यों चेंजेस आए? क्यों चेंजेस आए? नहीं, वो तो ठीक है कि वो बच्चे हैं, मैं बड़ी हूं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट उनकी आंखें, उनका नाक, उनका फेस, क्या वो मेरी तरह होगा कि नहीं जब मैं छोटी थी? तो मैम हो सकता है, मैम और नहीं हो सकता। नहीं भी हो सकता, अनमोल ने ये कहा। बैठो आप बेटा, बैठो, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो, मैं बताती हूँ अभी ये ठीक है कि नहीं। बैठो बच्चे। 8th B, रोल नंबर 4, कम नियर माइक, भागकर, पहले अपना नाम बताओ बेटा। मैम माय नेम इज अरमान चौधरी। अरमान, एंड टुडे इज योर बर्थडे? नो मैम, आई एम अ स्पोर्ट्स स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ओके ओके, यू आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ओके ओके। टेल मी कि द चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम माई स्किन सेल्स, आर दे सिमिलर टू ईच अदर एंड दे आर सिमिलर टू मी और नॉट? यस मैम। दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर? नो मैम। नो, देयर विल बी डिफरेंसेस, राइट? ओके, बैठो बैठो सीधा बेटा। गर्ल्स 8B, सीधे होके बैठो, फर्स्ट बेंच, सिट स्ट्रेट, डिस्कशन नो डिस्कशन। बेटा यहां पर गड़बड़ है, ठीक है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस हियर? टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, बस सुनना है ध्यान से। एंड देयर अकर्स, मींस मेल एंड फीमेल, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ मेल, पता है आपको ये? Yes. वेरी गुड, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब आप देखो कि रेड एंड व्हाइट को मिक्स करोगे तो कलर कौन सा बनेगा? पिंक, इजंट इट? ठीक है, बट अगर रेड में से ही एक रेड निकाल लोगे तो क्या वो जो दूसरा रेड था वो डिफरेंट होगा इस रेड से? नो, ठीक है। तो जब हम रेड एंड व्हाइट, जब किसी भी चीज की मिक्सिंग करेंगे, यहाँ पे अलग अलग पेरेंट से मेल और फीमेल गैमेट्स आए, तो जो इनका जाइगोट बना, दे विल बी मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल, यस और नो? तो जब मिक्सिंग हो जाएगी, सो आर दे, जो ये जाइगोट या आगे ऑफस्प्रिंग बनेगा, क्या वो मेल की तरह, एग्जैक्टली मेल की तरह होगा? नो। क्या वो एग्जैक्टली फीमेल की तरह होगा? नो, दे विल बी डिफरेंट। जैसे हम है ना, हमारे को लगता है कि भाई इसकी नाक जो है ना, ये मम्मी की तरह से मिल रही है, ये आंखें बिल्कुल पापा की तरह से है, ये वाला करेक्टर इसके ग्रैंड मदर की तरह से मिल रहा है, ऐसा होता है ना? Yes. सो इस तरह जब मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स है, कुछ मदर के करेक्टर्स, कुछ फादर के करेक्टर्स, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के करेक्टर्स, तो जब मिक्सिंग होती है तो एक ऑल टुगेदर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यस और नो?
यस, बट हियर, यहाँ पे मैंने जैसे क्या बताया है कि रेड एंड व्हाइट की मिक्सिंग है, दो भी कोई से दो कलर्स उसकी मिक्सिंग है, तो जो प्रोडक्ट बना पिंक कलर बना, दैट इज नाइदर रेड नॉर व्हाइट। बट हियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि मेरा स्किन सेल लिया, कहीं से कोई फ्यूजन नहीं है, सो ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नो फर्टिलाइजेशन, बातें बिल्कुल नहीं, नो फर्टिलाइजेशन। तो जब दो चीजें आई ही नहीं तो क्या वेरिएशंस होंगी, क्या डिफरेंसेस होंगे कोई, येस और नो? रेड को मैंने क्या कहा कि एक रेड को उसमें से थोड़ा सा रेड अलग कर दिया, इस जो वो अलग से रेड किया था वो इससे डिफरेंट है? नो। सो हियर हम क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं बेटा, बच्चे, ऑफ स्प्रिंग्स विल बी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और वी कैन से देयर आर नो वेरिएशंस। वेरिएशंस होती है कुछ डिफरेंसेस, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं आए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दो गैमेट्स की फ्यूजन है, वो गैमेट्स कहां से आए, अलग अलग पेरेंट्स से आए, वेयर एज हियर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो फ्यूजन, देयरफॉर द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इज इट ओके? चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे हम, राइट डाउन। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, किसी ने, सबने अपना अपना करना है बेटा, इधर उधर किसी से बातें नहीं करनी है, मैम प्लीज सी, है ना, कि एक तो ये कर रहे हैं और बातें नहीं कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स? Which type of reproduction produce clones of parents? So here, क्लोन क्या चीज है? क्लोन पता है बेटा आपको? यस, एनीबडी हु नोज रेज योर हैंड। क्लोन, रेज योर हैंड, एनीबडी हु नोज। मैं एट्थ ए को भी पता है, एट्थ बी, यस, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट गर्ल, उसका हाथ खड़ा था, जरा खड़े होके बोलो बेटा। हाँ डुप्लीकेट ऑफ वन पर्सन, दोबारा से बोलो। यस मैं डुप्लीकेट ऑफ वन पर्सन, यस, डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, बैठो। सो व्हाट इज क्लोन? क्लोन
हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। विच आर, थोड़ा सा एक मैं नया वर्ड बता रही हूं, जेनेटिकली, उन जिनका न्यूक्लियस एक जैसा है, विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, अब लेट अस से, अब ध्यान से मेरी बात सुननी है आपने। हमने ये जेनेटिकली बात क्यों की है, लिसन टू मी फर्स्ट। टू आइडेंटिकल ट्विन्स है, आपने कभी देखे आइडेंटिकल ट्विन्स? आपकी क्लास में है कोई? नो no. है ना, आइडेंटिकल ट्विन्स मीन्स These are exactly similar to each other, yes or no? है ना, बिल्कुल। हम नहीं पहचान सकते, उनकी मदर तो किसी ना किसी तरह पहचान लेती है, आई डोंट नो हाउ, बट बिल्कुल सेम होते हैं। बट अगर उनको पैदा होते ही एक को हमने लंदन भेज दिया और एक को हमने अफ्रीका भेज दिया, तो विल दे बी एक्सटर्नली डिफरेंट आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, यस और नो? यस, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आएगा, एक का कलर व्हाइट हो जाएगा, एक का कलर ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा, किसी अपने अपने बाल भी होंगे। बट क्या हम ये कहेंगे कि दीज आर नाउ नॉट क्लोन ऑफ ईच अदर? क्योंकि हमें बाहर से वो अलग अलग लग रहे हैं, उनका कलर, फेशियल कलर अलग अलग हो रहा है, उनकी क्योंकि न्यूट्रिशन अलग थी इसलिए उनका बिल्डअप भी अलग अलग हो गया है ना। लेट अस से अफ्रीका वाला जो है वो बहुत ज्यादा नॉन वेज खा रहा है, तो वो थोड़ा सा मस्कुल मसल्स उसके डेवलप हो गए हैं, लंदन वाले के इतने नहीं हुए। ठीक है, सो विल यू से दैट दे आर नॉट क्लोन टू ईच अदर? बोलो बेटा, 8 थे, आर दे स्टिल क्लोन ऑफ ईच अदर और नॉट? खड़े होके, एक स्टूडेंट खड़े होके बताएगा, रोल नंबर 5। यस, 8 थे, रोल नंबर 5, जल्दी से हाँ आ जा बेटा, माइक के पास आ बच्चे। यस, आर दे स्टिल क्लोन ऑफ ईच अदर और नॉट? यस दे आर क्लोन ऑफ ईच अदर, व्हाई? हमें दिख तो नहीं रहे, एक काला है, गोरा है, एक के मसल्स बड़े अच्छे हैं, एक बेचारा एवं कमजोर सा पतला सा है। आर दे स्टिल? बैठो बैठो, यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर आंसर, बैठो बेटा, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यस, एनीबडी फ्रॉम 8B रेज योर हैंड? यस, फर्स्ट बॉय मिडल रो, हाँ जी बेटा, मैम. नो मैम, दे आर नॉट नाउ द क्लोन्स ऑफ ईच अदर वाई? मैम, बिकॉज देयर कलर्स आर डिफरेंट एंड देयर आर सम चेंजेस इन देयर हैबिट्स एंड अदर इन देयर बॉडी पार्ट्स आल्सो. ओके ओके, एनीबडी, ही सेड दैट दे आर नॉट नाउ क्लोन्स ऑफ ईच अदर, कोई इसके आंसर से डिफर करता है वो बताओ मुझे, रेज योर हैंड, एनीबडी हु डिफर्स फ्रॉम हिज आंसर? बेटा नहीं, हमने तभी, मैं क्या कह रही हूं, देखो ये आंसर नहीं है, दे आर स्टिल क्लोन्स ऑफ ईच अदर। What I have told you that who are genetically identical, जिनका न्यूक्लियस सेम है, मेरे स्किन सेल्स लिए, माई स्किन सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मेरे स्किन सेल्स ले लिए, इससे मतलब एक फीटस, मतलब कोई भी एक ऑफस्प्रिंग वन एंड दिस इज ऑफ स्प्रिंग टू। बेटा दोनों ही गर्ल्स ही होंगी, क्योंकि मेरे सेक्स सेल्स में, मेरे बॉडी के सेल्स में, नॉट सेक्स सेल्स बट मेरे बॉडी के सेल्स में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, तो पहली बात तो दोनों गर्ल्स होंगी और दोनों का न्यूक्लियस सेम होगा, दोनों आगे जाके सेम उनकी जो
क्रोमोसोम्स है, आपने सेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ा है, तो उनके क्रोमोसोम सेम है, सेम इंफॉर्मेशन जा रही है, कुछ बाहर से नहीं। तो ये तो एनवायरमेंटल इफेक्ट है जिसके कारण उनका कलर चेंज हो गया, उनकी हैबिट्स या बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट अंदर से वो दोनों सेम है। सो दे आर स्टिल क्लोन्स ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर टू यू एवरीबडी? ठीक है, तो क्या क्लोन्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, बाहर से नहीं हम कह सकते, ऑल्दो बाहर से भी सेम लगते हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस दे मे अपीयर डिफरेंटली आफ्टर सम टाइम, बट स्टिल दे आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर। ओके, क्लियर? चलिए जी, अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यस 8th B में मैम कोई पीछे से स्टूडेंट खड़ा करके भेजिए जरा, एनीबडी। चल बेटा आजा फटाफट से भाग कर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंड्यूसेस वेरिएशन? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंड्यूसेस वेरिएशन। व्हाट आर वेरिएशंस बेटा? पहले उसको बोलने दो, बोलने दो बेटा, एसेक्सुअल। वेरिएशंस क्या है? नहीं ये छोड़ो, सेक्सुअल की एसेक्सुअल जाने दो, वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस होते हैं डिफरेंसेस, राइट? यस। आप में और आपके पेरेंट्स में जो डिफरेंसेस, ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली जो फर्क है, जो अलग चीजें हैं आप में एज कंपेयर टू योर बोथ पेरेंट्स, दैट आर वेरिएशन। इज इट ओके? तो विच रिप्रोडक्शन, दोबारा से बताओ, विच रिप्रोडक्शन इंड्यूसेस वेरिएशन? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंड्यूसेस वेरिएशंस। बैठो बेटा। हाँ जी 8th A में मैम पीछे से कोई स्टूडेंट भेजो। हाँ जी बेटा, अब आप बताइए बच्चे, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स? क्लोन्स मतलब नो वेरिएशन। एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड बेटा, बैठो। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स। क्लोन्स मतलब नो वेरिएशन, रिमेंबर दैट, नो वेरिएशन। सबने क्वेश्चन लिखा ये बेटा, आंसर भी लिख लिया? ओके ओके। अब एवोल्यूशन हो रही है, एवोल्यूशन मींस चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? जब अर्थ ओरिजिनेट हुई, क्या उस टाइम हम थे, ह्यूमंस थे उस टाइम? जब अर्थ का बर्थ हुआ तब तो थे ही नहीं। तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए? सबसे पहले माइक्रोब्स आए, बैक्टीरिया आए, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा, ठीक है? धीरे धीरे करके प्लांट्स आए, प्लांट्स, फिर धीरे धीरे एनिमल्स, पहले सी एनिमल्स आए, फिर लैंड एनिमल्स आए, और हम किनसे बने हैं? हम क्या कहते हैं कि ह्यूमंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हाँ, बट ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। हम ये कहते हैं कि मंकीज एंड ह्यूमंस, हम दोनों के एंसेस्टर सेम है। एक एंसेस्टर था जिससे एक लाइन पे मंकीज बन गए और एक लाइन पे ह्यूमंस बन गए। तो दिस इज एवोल्यूशन। और हो सकता है आगे कुछ 100 ईयर्स या 1000 ईयर्स के बाद ह्यूमन से भी अलग कोई ऑर्गेनिजम्स आ जाए, यस और नो? है ना? सो दिस इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स विद टाइम, राइट? और ह्यूमंस में भी एवोल्यूशन हो रही है बेटा। जैसे अगर हम कहें कि पहले बच्चे, मतलब उन्हें कंप्यूटर्स के बारे में, फोन्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, ऑल्दो थे, बट आजकल क्या है कि पैदा होता ही बच्चा जो है उसे पता नहीं, आई डोंट नो, कि पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं, छोटा सा बच्चा भी बैठना सीखता है, बट उसे यूट्यूब खोल के अपने गाने सुनने आते हैं, है ना? आपने देखा है ना, ये कैसे उन्हें पता चलता है कि हमने कहाँ पे क्या करना है, ये उसी बच्चे को पता है। सो दिस इज एवोल्यूशन, चेंज विद टाइम। हम क्या देखते हैं कि जैसे कोविड आया, राइट? क्या
हम बच गए ना कोविड में, हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था, यस और नो, है ना? बहुत सारे लोगों को नहीं भी हुआ, बट कुछ को हुआ। कुछ लोग जो है आप देखेंगे अपने नेबरहुड में, अपने सिटी में, अपने हमने कंट्री में देखा कि क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ एंड दे डाइड, सम डेवलप्ड एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स इन कोविड एंड सम डेवलप्ड स्लाइट फीवर, दे डेवलप कोविड फॉर 3-4 days एंड देन दे गेट रिकवर्ड, यस और नो? ऐसा क्यों? जिनको कोविड हुआ सब क्यों नहीं बच गए? हम नेगेटिव नहीं बात करते कि सब क्यों नहीं मर गए, बट हम ये पॉजिटिव बात करते हैं कि वो लोग जो चले गए बेचारे, अनफॉर्चुनेटली व्हाई डिडंट दे सर्वाइव? वेरी हेल्दी पीपल आल्सो, जो बहुत स्पोर्ट्स में थे, रनिंग करते थे और या फिर एक्सरसाइज करते थे एंड ऑल दैट, सो व्हाई डिडंट दे सर्वाइव? व्हाई दे डाइड ड्यू टू कोविड एंड व्हाई मेनी अदर पीपल सर्वाइव? मेनी ओल्ड पीपल डेवलप्ड कोविड एंड दे सर्वाइव, राइट? सो व्हाई दिस हैपन? बिकॉज वी ऑल पीपल आर जेनेटिकली डिफरेंट, यस और नो? सम पीपल हैव गुड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स डिफेंस सिस्टम। डिफेंस मीन्स एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीजेस, दैट इज डिफेंस सिस्टम। सम पीपल हैव गुड डिफेंस सिस्टम, सम डू नॉट हैव गुड डिफेंस सिस्टम। सो व्हाई दीज डिफरेंसेस? दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज इट ओके? राइट? सो व्हाई इन द क्लास नो टू पीपल आर सिमिलर? व्हाई देयर आर सो मच वेरिएशन? यस, विच इज द मेन रीजन फॉर द वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन, राइट? दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग, आपके घर में एक मैंगो का प्लांट लगा है, एवरीबडी बैग्स छोड़ दो, पेंसिल छोड़ दो, सब छोड़ दो बेटा, एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेट हियर। आपके घर में एक बहुत अच्छा सा मैंगो का प्लांट लगा हुआ है एंड इट हैज बिग मैंगोज, जूसी मैंगोज, वेरी नाइस, है ना? अब हम नहीं चाहते कि ये चेंज हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास में, हमने एक फील्ड भी ले लिया है, हम चाहते हैं उसमें बहुत सारे मैंगोज के हम ट्रीज लगाएं, बट ऐसे ही मैंगो का ट्री हो, हमें वेरिएशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्टेम की कटिंग्स काट लेते हैं। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, यस और नो? डू यू रिमेम्बर दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? यस, हमने उसकी स्टेम्स की कटिंग काटी क्योंकि उस अब फ्यूजन कोई नहीं है, और उन स्टेम की कटिंग्स को हमने अपने फील्ड में ग्रो कर दिया, और हमें जो ऑर्चर्ड मिला, मैंगो ऑर्चर्ड, दैट ऑल प्लांट्स हैड बिग मैंगोज, जूसी मैंगोज, स्वीट मैंगोज, बहुत ही बढ़िया। मजा आया कि नहीं? मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? है ना, आ रहा है ना? मैंगोज का नाम, सर्दियों में मैंगोज वैसे ही नहीं मिल रहे, ठीक है, और मैंगोज की हम बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। बट अवर नेबर, हमने उसको भी कहा कि तू हमसे स्टेम की कटिंग्स ले ले, तू अपने गार्डन में लगा ले। वो कहते हैं ठीक है, 2-4 दे दो मुझे, बट आई डोंट वॉन्ट कि सारे मैंगोज एक जैसे हो, मेरे पास और भी वेराइटीज है, बट दे आर, हमने उसे कहा, बट दे आर नॉट सो गुड लाइक दीज, सो व्हाई डोंट यू प्लांट ऑल दीज मैंगोज लाइक अवर मैंगो? वो कहते हैं नहीं, मुझे तो डिफरेंट वेराइटीज चाहिए, ठीक है, कोई दशहरी चाहिए, कोई लंगड़ा आम चाहिए, कोई सफेदा चाहिए, कोई चाहिए। उसने बहुत सारी वेराइटीज हमसे भी लिए, उसने 2-4 स्टेम कटिंग, बट बाकी सब उसने बहुत सारी दूसरी वेराइटीज लगाई, राइट? तो उसका जो है, उसके उसके पास ज्यादा बहुत, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के थे, बट नॉट सच अ गुड वेराइटी। हमारे पास बहुत अच्छी वेराइटी के मैंगोज थे एंड ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो कौन समझदार, हम समझदार कि वो समझदार ज्यादा? यस, टेल मी। 8th B, 19th रोल नंबर, कम फॉरवर्ड। 8th A ऑल्सो, 19 रोल नंबर, आ जाओ जरा जल्दी से माइक के पास आ जाओ।
बेटा लॉन्ग रन में कौन से मैंगोज के ट्री, मतलब कौन सा मैंगो ऑर्चर्ड अच्छा रहेगा? क्या हमारा ऑर्चर्ड बेटर है कि जो हमारे पड़ोसी है उसका ऑर्चर्ड बेटर है? हाँ जी, एट्थ बी पहले बताएंगे। जो दिमाग में आ रहा है, क्या हम बेटर कि वो बेटर? हम बेटर है। चलिए, एट्थ बी ने कहा कि हम बेटर है। बैठो बेटा, बैठो। हाँ जी, एट्थ ए क्या कहता है? हम बेटर है, ठीक है। बट अब मेरे यहीं पे सुनना बेटा, एट्थ ए आप खड़े होना जरा बेटा। अब क्या आया कि कुछ कीड़े आए, कुछ इंसेक्ट्स आए जो मैंगोज को खाते हैं। अगर हमें वो जूसी मैंगोज अच्छे लग रहे हैं, तो उसको भी वो जूसी मैंगोज अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। वो इंसेक्ट्स आए और वो हमारे सारे ट्रीज को इन्फेक्ट कर दिया। पर जो हमारे पड़ोसियों का था, उसके पास तो हमारे जैसे मैंगोज के 4 या 5 ट्रीज ही थे। अब किसको ज्यादा नुकसान हुआ बेटा, एट ए हमें कि उसको? हमें हमें ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? बिकॉज अवर होल ऑर्चर्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड अवर नेबर्स ऑर्चर्ड, उसमें ओनली 4 ट्रीज गेट्स डिस्ट्रॉयड, अदर ट्रीज गॉट, देवर हेल्दी, येस और नो? ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर, अच्छा चलिए एक और मैं चीज बताती हूँ, कि अगर कोविड में अगर हम सारे आइडेंटिकल होते, एक जैसे, कोई वेरिएशन नहीं होती, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता, तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड? मैक्सिमम ऑफ द इंडियंस वुड हैव डाइड, यस और नो? हम क्यों बचे? क्योंकि हमारे में वेरिएशंस है। कुछ लोगों का बेस्ट इम्यून सिस्टम है, कुछ का स्ट्रॉन्ग है, कुछ का वीक है, और कुछ का बहुत वीक था, यस और नो? यस, हमारे में वेरिएशंस है। कुछ की अटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चों की अटेंटिविटी स्पोर्ट्स में ज्यादा है, कुछ की कंप्यूटर्स में ज्यादा है, कुछ की डांसिंग में ज्यादा है, कुछ की मैथमेटिक्स में ज्यादा है। वी हैव वेरिएशन, यस और नो? सो नाउ टेल मी, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट कि क्लोन्स आर इंपॉर्टेंट? व्हाट इज बेस्ट? वेरिएशन वेरिएशंस, वेरी गुड। बैठो बेटा, सो व्हाट डज, व्हाट हेल्प्स इन एवोल्यूशन? इट इज द वेरिएशंस विच हेल्प्स इन एवोल्यूशन, इज इट राइट? एंड विच रिप्रोडक्शन, एट्थ बी मुझे आंसर करेंगे एवरीबडी, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन? सेक्सुअल और एसेक्सुअल? रुक गया ना उनका तरफ से। नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया नहीं ना, लाइट चली गई, मैंने पॉज कर दिया। रोल नंबर 21, 22, कम कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। आ जाओ मैम, सेकंड बेंच, द गर्ल, कम फॉरवर्ड। यस, टेल मी, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन अडेप्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, यू आर टेलिंग मी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैम, यस यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोल नंबर 12, कम फॉरवर्ड। आप बैठो बेटा, रोल नंबर 12 एब्सेंट एब्सेंट। रोल नंबर 13, नहीं, वो देखो वो देखो, वन गर्ल इज कमिंग। यस, द रिप्रोडक्शन विच प्रोड्यूसेस मेनी ऑफस्प्रिंग्स एट द सेम टाइम, इज इट सेक्सुअल की एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोल नंबर 9, आ जा बेटा जल्दी से। वेरी गुड, क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल की एसेक्सुअल? माइक पे जाके बोलो बेटा। एसेक्सुअल ए सेक्सुअल, ये तो बेटा किसी ने बताया है तो आपने बोला है, यस और नो? यही है ना बेटा। आप मुझे ये बताओ कि सीड्स से पौधे बनना इजी है कि स्टेम कटिंग से पौधे बनना इजी है? पहले सीड बनाएंगे, फ्यूजन होगी, है ना, फिर पहले फ्लावर्स आएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बनेगा, फिर सीड जर्मिनेट होगा, फिर प्लांट बनेगा। और दूसरी तरफ है, एक प्लांट है, उसकी स्टेम कटिंग्स ली, लीफ कटिंग्स ली, उसको लगाया और उससे प्लांट बन गया। सो विच इज द क्विक मेथड, ए सेक्सुअल की सेक्सुअल? सीड फॉर्मेशन की स्टेम कटिंग? उधर उधर माइक पे मुझे मत देखो, माइक को देख के बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बैठो, आप बैठो, देखते हैं अभी हम सेक्सुअल है कि नहीं। हाँ जी, रोल नंबर 19 तो हो गया, 25। ट्वेंटी फाइव चलिए। हाँ बेटा आप बताओ, विच इज द क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। व्हाई नॉट सेक्सुअल? No. इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ही इज राइट, इट इज एसेक्सुअल। बैठो बेटा, मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस अगर हम बात करें, तो पहले तो क्या है, ह्यूमंस विल ग्रो अप टू प्यूबर्टी, दे विल फॉर्म गेमीट्स, देन फर्टिलाइजेशन अकर्स, राइट, इन ह्यूमंस और इन एनिमल्स। ह्यूमंस में एसेक्सुअल तो नहीं हम बात कर सकते, बट इन स्मॉल एनिमल्स, या आप सिर्फ विजुअलाइज करो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फर्टिलाइजेशन अकर्स, जाइगोट इज फॉर्म, देन जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो, एंड देन द एम्ब्रियो ग्रोज इन टू ऑर्गेनिज्म। सो इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, राइट। वेयर एज आप थोड़ा सोच के देखो कि एक बच्चा फर्टिलाइजेशन हो गई, उसको 9 महीने लगे एक छोटा सा बच्चा बनने में, और अगर स्किन सेल्स, पहले तो दो लोग प्यूबर्टी तक पहुंचे और ये सब हुआ। हमें चाहिए कि आज ही हमें क्लोन्स चाहिए, तो हमने क्या किया, किसी के भी किसी बच्चे के, किसी बड़े के, किसी के भी, हमने स्किन सेल्स लिए, ट्यूब्स में डाले, और 2-3 महीने में वो छोटा सा बच्चा बन गया, राइट। सो विच इज द क्विक मेथड, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज क्विक, इज इट ओके? ठीक है, सो हेयर आंसर इज, जिस बच्चे को नहीं पता था पता चल गया बेटा, ओके, सो हेयर आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ क्विकली वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने मुझे बताना है, फर्स्ट आपने डिफरेंस बताना है, यूनिपेरेंटल कौन सा है और बायपेरेंटल कौन सा है। एट्थ ए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जी।
इट इज यूनिपेरेंटल, बिल्कुल ठीक है। अब दिस इज बायपेरेंटल, वेरी गुड। देन अनदर इज क्विक एंड डिलेड, इसमें डिफरेंस बताना है। एसेक्सुअल इज क्विक क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दिस इज डिलेड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन अनदर इज वेरिएशंस और नो वेरिएशंस। एसेक्सुअल में वेरिएशन। वेरी गुड, नो वेरिएशंस। एंड सेक्सुअल में वेरिएशंस अकर। देन विच प्रोड्यूस क्लोन्स, ए सेक्सुअल की सेक्सुअल? जोर से, ए सेक्सुअल की सेक्सुअल? ए सेक्सुअल। मैम जरा देखना, सब बच्चे बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं? क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली सिमिलर। सो यहां पर हम क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग्स डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। एंड लास्ट डिफरेंस, विच रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन एवोल्यूशन? एवोल्यूशन एवोल्यूशन मीन्स चेंजिंग टाइम, चेंजिंग एनवायरनमेंट। विच हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? अब गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, तो कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। कोविड आ गया है, कुछ सरवाइव कर गए, कुछ मर गए, क्योंकि वेरिएशंस है। और अगर सब एक तरह से होंगे तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं करेंगे। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं प्लेज नो रोल इन एवोल्यूशन। इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन। तो बेटा ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इससे आपको सारा डिफरेंस पता चल गया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का। आपने क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, आपने पढ़ा हाइड्रा में बडिंग होती है, यस और नो? सो व्हाट इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल सेक्सुअल। जैसे मेरे स्किन्स अलग हो गए, मेरी उंगली अलग करके एक नया बच्चा बना दिया, सो दैट इज एसेक्सुअल। तो ऐसे ही हाइड्रा में जो बडिंग है दैट इज एसेक्सुअल। यीस्ट, एक यीस्ट सेल, यीस्ट इज ए फंगस, उसमें डिवाइड हुआ, दो यीस्ट बन गए, इज इट सेक्सुअल की एसेक्सुअल? एसेक्सुअल, क्योंकि नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, राइट? सो दिस इज फिशन। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन मीन्स डिवीजन। सो बडिंग, फिजन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? सेक्सुअल की एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनी टाइप ऑफ, आपसे कुछ भी पूछा जाए, कोई भी दिखाए जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं दिख रही, तो आपने उसको क्या मार्क करना है? दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट ओके? तो ये जो दो सेल्स होंगे ये इससे सिमिलर होंगे कि नहीं? आर दे सिमिलर? यस, दे आर सिमिलर, बिकॉज इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो विच इज बेटर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल की सेक्सुअल? जोर से बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर,
चाहे उस रिप्रोडक्शन में टाइम लगता हो, चाहे उस रिप्रोडक्शन से थोड़े ऑफस्प्रिंग्स बने, बट वो जिंदा तो रहेंगे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स बना लो और थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए और सभी के सभी मर जाए, क्या ये बेटर है? नो। सो विच रिप्रोडक्शन इज बेटर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग रन का सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, सेक्सुअल इज बेटर एसेक्सुअल। शॉर्ट टर्म का सोचेंगे कि हमें तो इतने लोग चाहिए, देन एसेक्सुअल। बट इन द लॉन्ग रन अगर पूछा जाए दोनों में से बेटर कौन है, सो सेक्सुअल। व्हाई इट इज बेटर? बिकॉज इट प्रोड्यूस, क्या इट प्रोड्यूस? वेरिएशन। जल्दी से लास्ट टाइम, विच इज बेटर? व्हाई इट इज बेटर? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन। इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन, इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग न्यू एनवायरमेंट। ओके मैम, इनसे कल क्लास में एक बार जरूर ये पूछना, ठीक है, ताकि इनको याद भी रहेगा कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब बेटा, हमने आफ्टर 3 क्लासेस इस मंथ के एंड में, मैं आज ही बता रही हूँ, हमने एक टेस्ट लेना है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया, कितना याद रहा। ओके ठीक है, चलिए फिर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। जरा देखना भी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि भाई 8th B नहीं कनेक्ट हुई, बट नो प्रॉब्लम। उन बच्चों को सिर्फ ये कह देना कि जो भी थोड़ा सा हमने करवाया है, रिकॉर्डिंग शाम को देख लेंगे और उसमें से नोट कर लेंगे ये डिफरेंसेस, राइट? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।